नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी सर्कल में। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में निकाली गई है ग्रुप डी के काफ़ी सारे पदों पर भर्ती, जिसमें आपसे जो योग्यता मांगी गई है वो मात्र 8वीं पास मांगी गई है। उसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 35,000 से ऊपर आपको सैलरी दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको इस पूरी वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको दे सकें। साथ ही आप लोगों से गुजारिश और होगी कि तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी को इन सब वैकेंसीज के बारे में अपडेट प्राप्त हो सके। तो आइए बात कर लेते हैं इस पूरी वैकेंसी के बारे में। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वैकेंसी निकाली गई है वो मध्य प्रदेश स्टेट लीगल ग्रुप में निकाली गई है, जो कि ग्रुप डी की वैकेंसी है। ये वैकेंसी कब निकाली गई है मैं आपको बता दूं कि ये आपकी 14 तारीख को इसकी वैकेंसी निकाली गई। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके ऑनलाइन फॉर्म लगभग कल से या फिर आज से शुरू हो चुके हैं। तो ये बात कर लेते हैं इस पूरी वैकेंसी में क्या क्या योग्यता मांगी गई है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको सही जानकारी और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको जैसे ही आप इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा कि आपको इसका फॉर्म किस प्रकार से भरना है और किस वेबसाइट पर आपको जाके इसके लिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जो वैकेंसी निकाली गई है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत निकाली गई है, और इसमें जो योग्यता इसमें मांगी गई है वो मात्र आपकी 8वीं पास मांगी गई है। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो टोटल ग्रुप डी की 117 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। और जॉब रोल की बात करें तो जॉब रोल आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत की जॉब है, तो आपके मध्य प्रदेश ही जॉब रोल रहेगा। वहीं पे अप्लाई करने की बात करें तो आपका जो अप्लाई करने की बात है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें भरा जाएगा MP ऑनलाइन के थ्रू। वहीं पे अगर मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बताऊं, तो मैंने आपको बताया कि 8वीं पास आपके लिए वैकेंसी निकली है। कोई भी बच्चा इसके लिए आवेदन कर सकता है, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ और भी है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स का जो कोटा है वो भी काफ़ी सीमित कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है इस भर्ती में आवेदन करके इस भर्ती को प्राप्त करने का। वहीं पर अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें जो मांगी गई है वो आपसे मेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 40 उम्र मांगी गई है। वहीं पर अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको 18 से 45 साल की उम्र रखी गई है। जो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो एज पर द रूल जो नोटिफिकेशन में दिया होगा उसके अनुसार दिया जाएगा। वहीं पे आगे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी लगभग आपकी कुछ नहीं है, और जो भी डाटा होगा वो आपको नोटिफिकेशन से भी प्राप्त हो जाएगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका इंटरव्यू स्किल टेस्ट के आधार पर ही आप लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप किसके लिए कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pev.mp.gov.in, जहाँ पे जाके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी यदि आपको कोई प्रकार की समस्या आती है ऑनलाइन करने में, या फिर आपको कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़्यादा पूछिए, ताकि हम आपकी परेशानियों का समाधान कर सकें। और यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि हम इसके लिए डिटेल वीडियो बनाएं कि किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो हम आपके लिए तो वीडियो भी बना के लाएंगे। तो आप इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पे लिंक लिखी हुई है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्लिक हेयर एंड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करें, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 14 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 7 फरवरी 2018। तो जो भी आपके करीबी संबंधी हैं उन सभी लोगों को बताइएगा इस वैकेंसी के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए अप्लाई कीजिए, ताकि आप सभी लोगों को बहुत फ़ायदा मिले। बात करेंगे नोटिफिकेशन की, जो जो आपको ये ब्लू लिंक दिख रही है ये आपको नोटिफिकेशन देगी, और जो ये रेड लिंक दिख रही है आपको ये देगी अप्लाई करने की लिंक, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिएगा। साथ ही बात करेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है इनकी वेबसाइट पर, जो भी डाला गया है इसमें यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये 8वीं पास निकाली गई है, कितनी इसमें सैलरी रखी गई है, सैलरी भी आपको यहाँ साफ दिख रही होगी, लगभग आपकी 35,000 से ज़्यादा की सैलरी है, और कौन सी जगह पे कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं इन सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ। तो इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पिएगा, और साथ ही मैं आपको बता दूँ इसके लिए अप्लाई आपको किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pev.mp.gov.in पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप इंग्लिश या हिंदी जिस पर भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे आप देख सकते हैं आपका पहला दूसरा जो तीसरे नंबर पे आपकी जो लिंक है वो दी हुई है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर इसके लिए रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल जहाँ से इसको अप्लाई करना है pev.mponline.gov.in पर आप लॉगिन करेंगे, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आपको इस टैब पे क्लिक करना है उपलब्ध सेवाएं पे।
जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे, आपकी जो रिक्रूटमेंट की जो लिंक होगी वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अभी इसकी लिंक चालू नहीं की गई है, तो आपको शायद हो सकता है आज या फिर कल की डेट में इसकी लिंक चालू हो जाए, तो आप यहाँ से इसके लिए डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल वीडियो अब मैं आपके लिए लेकर आऊँ कि किस प्रकार से आप घर बैठे ही इसके लिए आवेदन कर सकें और आपको किसी ऑनलाइन पर जाने की जरूरत ना पड़े, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए अन्य वीडियो लेकर आते रहें।